everyone. In this video lecture of microprocessor and microcontroller, I am going to discuss about assembler directives for 8051. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द असेंबलर. असेंबलर बेसिकली क्या होता है? असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड. पहले सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें लिखा ORG 2000, ठीक है, H, ठीक. देन मैंने लिखा मूव ए हैश 25, ठीक है. ठीक, ये एग्जीक्यूट नहीं होते और ये हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है. मींस कि असेंबलर डायरेक्टिव्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर प्रोग्राम एंड आर यूज्ड टू डिफाइन स्पेसिफिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिन, मींस कि आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग लोकेशन क्या होगा. एंड दीज डायरेक्टिव्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड असेंबलर डायरेक्टिव. तो नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ असेंबलर डायरेक्टिव्स ऑफ 8051 जो जनरली यूज होते हैं. ORG, ये किससे बना है? ओरिजिन से. तो अब इसका हम अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा ORIGINAT, ओरिजिनेट, ठीक है. डिफाइन द स्टार्टिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग एड्रेस फॉर द प्रोग्राम इन प्रोग्राम मेमोरी. प्रोग्राम आपका कहां स्टोर होता है? इन प्रोग्राम मेमोरी. और प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है? हमारी परमानेंट मेमोरी. परमानेंट मेमोरी मतलब रॉम, ठीक है. या वहां पर ये बताता है कि आपके कोड्स कहां से स्टोर होना शुरू होंगे, ठीक. फॉर्मेट क्या होगा? जो आपका लोकेशन होगा, नंबर होगा, वो हमेशा ORG के बाद यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा ORG, इट कैन बी 8-bit और 16-bit. अगर मैंने 8-bit का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 01H, तो इन दिस केस जो स्टार्टिंग एड्रेस इज 0001H है, ठीक है. अगर मैंने लिखा ORG 1234H, तो इन दिस केस स्टार्टिंग एड्रेस इज 1234H. तो दिस इज द फॉर्मेट. पहले ORG यूज होगा, देन यहां पे नंबर यूज होगा, जो भी उसका एड्रेस होगा, ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट इज END. इसको हम क्या लिखते हैं? END. इसका मेन यूज क्या होता है? बेसिकली दिस इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. किसी प्रोग्राम के किसी भी बीच में ये लाइन आ गई एंड, तो एंड से पहले की लाइंस एग्जीक्यूट होंगी और एंड के बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे, माइक्रो कंट्रोलर इग्नोर ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द असेंबलर सोर्स फाइल. Is used to advise the assembler to stop the assembly process. Most important thing, anything after end directive is ignored. क्या होगी? इग्नोर्ड बाई असेंबलर. क्या करेगा वो? उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम लेते हैं, हमने लिखा ORG, मीन्स की ओरिजिन, स्टार्टिंग एड्रेस. सपोज स्टार्टिंग एड्रेस इज 0H, मीन्स की स्टार्टिंग लोकेशन इज जीरो. नाउ मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया, मूव ए #25. इन दिस केस 25 कहां लोड होगा? इन एक्यूमुलेटर. सपोज मैंने लिखा एड ए 50, मींस कि जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट था उसके साथ 50 ऐड हो गया, ठीक है. अब आफ्टर दैट अगर मैंने लिख दिया एंड, तो ये क्या करेगा? स्टॉप कर देगा और टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को. तो दिस इज द यूज ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव. हम देखते हैं थर्ड असेंबलर डायरेक्टिव. अब हम देखते हैं हमारा थर्ड असेंबलर डायरेक्टिव, दैट इज EQU, मीन्स की इक्वेट. इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेट. दिस इज यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट विदाउट ऑक्यूपाइंग अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैंने कोई वैल्यू ली,
यू 25 लिखा, अगर मैंने ये लिखा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 25H मान लेते हैं, ठीक है, 25H लिखा मीन्स कि N इज इक्वल टू 25, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जहां भी इस 25 को लोड करना होगा मैं 25 ना लिख के क्या लिखूंगी, N। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा मूव R1 कॉमा N, मीन्स नाउ अब क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 25H विल बी लोडेड इन R1, क्लियर। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, सपोज मुझे काउंटर सेट करना है और उसमें जो काउंट की वैल्यू फीड करनी है, मैंने लिखा काउंट इक्वल 40H, ठीक है। तो नाउ काउंट की वैल्यू क्या होगी, 40H। सपोज मुझे रजिस्टर ए को एज अ काउंटर सेट करना है और उसमें वैल्यू फीड करनी है 40, तो मैं क्या लिखूंगी, मूव ए हैश काउंट, ठीक है। अगर मैंने काउंट लिखा तो मीन्स की 40H विल बी लोडेड इन एक्यूमुलेटर, ठीक। सपोज वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा काउंटर इक्वेट R1, मीन्स कि इन दिस केस मैंने क्या किया, R1 को सेट एज काउंटर, मैंने R1 को यूज किया एज अ काउंटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज DB। दिस डायरेक्टिव इज मोस्टली यूज बाई द असेंबलर एंड इट इज यूज टू डिफाइन अ बाइट और यू कैन से 8-bit डेटा, ठीक है। नाउ अब इसमें जो हमारे बाइट्स डिफाइन होते हैं, फॉर डिफाइनिंग हम यूज करते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के लिए हम जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो होता है हमारा D, ठीक है, D, या हम कुछ भी नहीं लिखते, बाइनरी, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं B, हेक्साडेसिमल, H, ASCII, ठीक है। एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग ASCII और फॉर डिफाइनिंग द ASCII bytes, इसमें जो होगा कोटेड यूज होगा, मीन्स कि ये कॉलन लगेंगे आइदर सिंगल और डबल एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज हमने असेंबलर स्टार्ट किया ORG 2000 से, ठीक है, तो दिस इज द एड्रेस ऑफ असेंबलर। नाउ अगर सपोज मैंने लिखा DB define byte 28, तो दिस 28 का मीन्स है कि ये हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। अगर मैंने लिखा DB01001010, तो ये हमारा क्या है, बाइनरी में है और इसके लास्ट में हमें यूज करना पड़ेगा B। अगर हमें हेक्स में लिखना है तो मैंने सपोज लिखा DB23H, ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। नाउ अगर हमें ASCII कोड्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, अगर मैंने लिखा DB कॉलन लगाया 1, 2, 3, 4, कोटेड कर दिया, तो नाउ 1, 2, 3, 4 है बट कोटेड है, तो दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज ASCII, क्या है, ये ASCII है, ठीक है। नाउ अगर मैं कोई कैरेक्टर लिखना चाहती हूं तो मैंने लिखा DB RAM या RAM कुछ भी आप कह लो, तो ये भी हमारा ASCII कैरेक्टर हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ DB। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्टिव इज DW। DW मीन्स डिफाइन वर्ड, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू DB, बट डिफरेंस इज दैट इन दिस केस हम 8 बिट्स को लेते हैं, इन दिस केस हम वर्ड लेंगे, वर्ड मीन्स की 16 बिट्स को, क्लियर है। नाउ अगर हमें लिखना होगा DW, तो यहां पर क्या होगा, अगर हमें लिखना है फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल नंबर, तो 1, 2, 3, 4H क्या हो गया, ये हमारा 4-digit नंबर, ठीक है, मीन्स की हमारा एक्चुअली 16 बिट का बाइनरी नंबर होगा। अगर हमें बाइनरी में लिखना है 00010001001110001, कुछ इस तरीके से, ये मैंने एट रैंडम लिया है, अगर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो ये 16 बिट का, ठीक है। तो दोनों अप्रॉक्स सेम है, बस डिफरेंस इज दैट कि दिस इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द बाइट एंड दिस इज यूज्ड टू डिफाइनिंग द वर्ड। वर्ड मीन्स 16 बिट्स, बाइट मीन्स 8 बिट्स। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।